ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हे फ्रेंड्स, आज हम साइंस की क्लास में पढ़ने वाले हैं बीजों का प्रकीर्णन। इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती है और इसका अर्थ क्या होता है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि प्रकीर्णन होता क्या है। दोस्तों, बीजों के प्रकीर्णन से आशय यह है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा प्रकीर्णन होता है। सबसे पहली विधि होती है वायु के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि वायु के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि बीजों का प्रकीर्णन से क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बीजों का बिखराव, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही बीजों का प्रकीर्णन होता है। देखते हैं वायु के द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो कि उनके पैतृक पौधों से काफ़ी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं जिनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। पहला क्या है, बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं, तभी तो हवा उन्हें अपने साथ लेके जा सकती है। जब बीज कैसे हो गए, सूक्ष्म और हल्के हो गए। और क्या होना चाहिए, कुछ बीजों की वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती है। जैसे बीजों के प्रकीर्णन में सहायता, जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती है, जैसे केलोट्रोपिस एवं सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है। आपने देखा होगा कि रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है, वो हवा के साथ साथ उड़कर काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो उसके बीजों का प्रकीर्णन ऐसे ही होता है वायु के द्वारा, क्योंकि वे बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं और हल्के होते हैं और हवा के साथ बह सकते हैं, उड़ सकते हैं। अगला देखते हैं, अगली विधि कौन सी है प्रकीर्णन की। दोस्तों, अगली विधि है स्फुटन की, डिस्पर्सल मेथड, जिसमें क्या होता है कि कुछ पौधों में फल बल के साथ फट जाते हैं। जब वो पक जाते हैं तो बल के साथ फट जाते हैं और 1 मीटर से भी दूर तक वे अपने बीज फेंक देते हैं। यथा यूफोबिया, मटर, सेम आदि, ये ऐसे कुछ फल हैं जो क्या करते हैं, पकने के बाद एकदम फट जाते हैं और इनके बीज 1 से 1.5 मीटर तक दूरी तक फैल सकते हैं। आपने सोचा होगा कि ये फटते क्यों हैं ऐसे, उसका भी कारण है फलों में परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीज पत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन हेतु कुछ बाह्य कारकों जैसे वायु, जल तथा जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा। अगली विधि देखते हैं किस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है, तो वह है पानी के द्वारा, जल के द्वारा। ये कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है, सोचिए आप थोड़ा कौन से हो सकते हैं ऐसे। सबसे पहला आपके दिमाग में आइडिया या फिर एग्जाम्पल आता है नारियल का। नारियल का प्रकीर्णन कैसे होता है, जल के द्वारा होता है, तभी तो वे तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कमल, कमल का भी प्रकीर्णन पानी के द्वारा होता है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का विकीर्णन जल के द्वारा किया जाता है। जैसे नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकीर्णन हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी होती है, इसकी जो फल की भित्ति होती है बाहरी है वो इस तरह की होती है, उसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता, और इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी रहती है जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। कमल में भी जल के द्वारा विकीर्णन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगली विधि,
किस तरह से और बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों अगली विधि है जंतुओं के द्वारा। देख लो जंतुओं के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। कुछ पौधों के फलों में कांटे होते हैं जिनकी मदद से वे जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा से चिपक जाते हैं, चिपक कर दूर दूर तक चले जाते हैं और फिर क्या होता है इनका प्रकीर्णन, वो कहीं और कितनी भी दूर जाके गिर जाते हैं, वहाँ पर उनका नया पौधा उग जाता है। तो इस तरह से होता है जंतुओं या जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अगली विधि देखते हैं कौन सी होगी, वह है पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा किस तरह से प्रकीर्णन होता है वह हम इसके थ्रू जानेंगे कि पक्षी भी बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे अंगूर, अंजीर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं, बीजों का पाचन नहीं होता उनका और फिर वे क्या करते हैं, यह विष्ठा के साथ बाहर निकाल देते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुँच जाता है उसी स्थान पर नया पेड़ उग जाता है। तो इस तरह से भी देख लो बीजों का प्रकीर्णन होता है। और एक विधि और बाकी है, वह होगी मानव के द्वारा। मानव भी फसलों, फल, वृक्षों, सजावटी वृक्षों तथा पादपों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवारों का वितरण भी मनुष्य द्वारा अनजाने में भी हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे वृक्ष या फिर पौधे होते हैं जिनका प्रकीर्णन मानव के द्वारा होते हैं? दोस्तों जिस तरह से अनाज उगाते हैं और गन्ने की खेती होती है तो उनका प्रकीर्णन, उनके बीजों का प्रकीर्णन मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ विधियाँ थी जो मैंने आपको अभी बताई बीजों के प्रकीर्णन की। एक बार फटाफट से नज़र घुमा लेते हैं सारी विधियों पर। फ्रेंड्स, हमने यह जाना कि बीजों का प्रकीर्णन सबसे पहले होता है वायु के द्वारा, उसके बाद फूटन द्वारा, ये भी एक विधि है प्रकीर्णन की। और कौन सी विधि मैंने आपको बताई, जल के द्वारा यानी पानी के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है, जंतुओं के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है और किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है और दोस्तों मानव के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। ये 6 विधियां हैं बीजों के प्रकीर्णन की। अब मैं आपके सामने एक टेबल दिखाती हूँ जिसमें कुछ बीज है या फिर पेड़ के नाम है और उनकी प्रकीर्णन विधि क्या है, हम यह जानेंगे। फिर आपसे लास्ट में क्वेश्चन होगा। आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनका प्रकीर्णन कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है। सबसे पहले बीज का नाम है मादर, जिसका वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। पीपल का प्रकीर्णन वायु और पशु और पक्षी के द्वारा होता है। भिंडी का प्रकीर्णन कैसे होता है, अपने आप फटने पर जब भिंडी पक जाती है तो वह स्फुटन द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। गोखरू, इसका प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है। और नारियल ऐसा पौधा है जिसका प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। दोस्तों आम का प्रकीर्णन पक्षियों के द्वारा होता है और मनुष्य के द्वारा भी होता है। चिलबिल, ये एक पौधा है जिसका प्रकीर्णन होता है हवा के द्वारा। और सेम का, अपने आप फटने से ही प्रकीर्णन होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि कौन कौन से पौधे किस तरह से प्रकीर्णन करते हैं और आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नारियल का प्रकीर्णन कौन सी विधि के द्वारा होता है। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे यह है कि आपको ये बताना है, हमने आपको प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियाँ बताई, आपको सारी पॉइंट आउट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लास में। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।